आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, ओके, डील करेंगे ट्रांसफॉर्मर के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे जेई लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि RRB-JE और SSC-JE और बहुत सारे भी ऐसे जेई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ओके। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछ रहा है और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसका साइज सबसे छोटा है। साइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मिनिमम, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, किस ट्रांसफॉर्मर के कोर का एरिया छोटा है और वही ट्रांसफॉर्मर होगा स्मॉलर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर का इनवर्स रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसफॉर्मर की, उतना ही कम होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मर स्मॉलर होगा, ओके। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, चारों की रेटिंग केवीए रेटिंग 1 KVA ईच, बट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, 50 Hz, ऑप्शन बी 200 Hz, ऑप्शन सी 400 Hz, ऑप्शन डी 600 Hz। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है 600 Hz, इसका मतलब है यही ट्रांसफॉर्मर होगा जो कि सबसे छोटा होगा साइज में। व्हाट इज द आंसर? आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर टू। टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर, लोड शेयर करता है दो ट्रांसफॉर्मर किस बेसिस पर। दिस इज ट्रांसफॉर्मर वन, इसको हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मर ए, सपोज ई ए हेयर। दिस इज सेकेंड ट्रांसफॉर्मर, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ई ए ई बी, यहाँ पे कनेक्टेड होगा लोड, ठीक है। दोनों ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज लोड, लोड की रेटिंग के वी ए रेटिंग इज सपोज एस एल। When two transformers, transformer A and transformer B, are connected in parallel, they will share load directly proportional to their KVA rating. जो इनकी KVA rating होगी उन्हीं के directly proportional ये load share करेंगे। इसके लिए एक condition भी होती है कि Z per unit of both transformer should be equal. Z per unit of both transformers, suppose Z per unit of A is equal to Z per unit of B, अगर ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मर A और ट्रांसफॉर्मर B ये दोनों उस रेशियो में लोड शेयर करेंगे जिस रेशियो में इनका KVA रेटिंग है, ओके। तो हियर फ्रॉम ऑप्शन एफिशिएंसी नो, रेटिंग यस, ऑप्शन B, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेटिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री। द शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू डिटरमिन, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट ये किया जाता है टू फाइंड कॉपर लॉस, किस चीज़ के लिए ये हमें किया जाता है, कॉपर लॉस के लिए। कहीं ये पूछ दे कि ओपन सर्क्यूट टेस्ट क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मर का, ओपन सर्क्यूट टेस्ट किया जाता है आयरन लॉस के लिए, इससे हमें क्या मिलता है, आयरन लॉस मिलता है, इसको हम कोर लॉस भी कहते हैं, कोर लॉस, इसको हम मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं। तो इसके लिए ओपन सर्क्यूट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, कॉपर लॉस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कॉपर लॉस। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है, एट एनी लोड, एट एनी लोड, ये डिपेंड करता है कि आपका करंट जो शॉर्ट सर्क्यूट के टाइम जितना करंट है, आई एस सी शॉर्ट सर्क्यूट करंट, वो कितना है।
अगर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट है तो हमें मिलेगा कॉपर लॉस एट फुल लोड। शॉर्ट सर्किट करंट अगर हाफ लोड है, हाफ हाफ लोड के करंट के इक्वल है तो हमें मिलेगा कॉपर लॉस एट हाफ लोड। क्वेश्चन नंबर 4, इसको रीड करिए। अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ कोर लॉस ऑफ 64 वॉट एंड कॉपर लॉस ऑफ 144 वॉट व्हेन। ये जो कॉपर लॉस 144 वॉट है ये कब है? व्हेन इट इज़ कैरिंग 20% ओवरलोड करंट। यानी 20% ओवरलोड करंट के टाइम पे कॉपर लॉस दिया हुआ है 144 वॉट। द लोड एट विच दिस ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। व्हाट इज कॉपर लॉस? कॉपर लॉस होता है I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर आपने एक ट्रांसफार्मर को चूज किया तो उसमें जो वाइंडिंग्स हैं वो तो फिक्स हो गए, उसके जो रेसिस्टेंस होंगे वो तो फिक्स हो गए, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज कॉन्स्टेंट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर। ओके, उसमें क्या चेंज होगा? उसमें ये करंट चेंज होगा कि उस ट्रांसफार्मर में कितना लोड कनेक्टेड है। अगर फुल लोड कनेक्टेड है तो इसको हम लिखेंगे IFL, जब फुल लोड कनेक्टेड हो। जब हाफ लोड कनेक्टेड होगा तो लिखेंगे हम IFL/2। क्वेश्चन में ये कह रहा है 20% ओवरलोड करंट, इसका कहने का मतलब है कि 120% ऑफ फुल लोड करंट, 120% ऑफ फुल लोड करंट। उस कंडीशन में 120% ऑफ IFL इतना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1.2 टाइम्स ऑफ IFL ये करंट फ्लो कर रहा है। कब? ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशन, है ना। ओवरलोड कंडीशन में इतना करंट फ्लो कर रहा है, कितना? 1.2 टाइम्स ऑफ IFL। अब इतने करंट पे उसने बताया है कि कॉपर लॉस इज 144 वॉट, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं? दिस वन आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। उस टाइम पे करंट कितना है? 1.2 टाइम्स ऑफ IFL, तो कितना होगा कॉपर लॉस? 1.2 टाइम्स ऑफ IFL दिस स्क्वायर इंटू वॉट आर इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा ओवरलोड कंडीशन में, उस ओवरलोड कंडीशन में कॉपर लॉस की वैल्यू जो कि इसने बताया है 144 वॉट। 1.44 इंटू IFL स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना, इज इक्वल टू 144। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं IFL स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, इसको हम कह सकते हैं कि ये फुल लोड पर कॉपर लॉस की वैल्यू है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PCU कॉपर लॉस किस लोड पर? फुल लोड पर FL, PCU FL, है ना, फुल लोड कॉपर लॉस। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखो कितनी वैल्यू होगी। इसको हम क्या लिखेंगे? PCU FL फुल लोड कॉपर लॉस, इसकी कितनी वैल्यू होगी? 144 डिवाइडेड बाय 1.44 यानी कि होगा कितना? 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट हुआ फुल लोड कॉपर लॉस। अब क्वेश्चन में पूछता है कि कितने परसेंट लोड पर ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। कितने परसेंट लोड पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रहेगा? उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे कितने परसेंट पे, दिस इज अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय PCU FL यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस। इसकी क्या वैल्यू होगी? रूट अंडर ऑफ आयरन लॉस, आयरन लॉस की कितनी वैल्यू है? 64 वॉट अपॉन PCU FL। फुल लोड कॉपर लॉस की कितनी वैल्यू है? यहाँ पे हमने कितना फाइंड आउट किया था? ये 100, कितना था? 100 वॉट। तो 64 अपॉन 100 यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0.8 यानी कि कितना परसेंट? इसको हम लिख सकते हैं 80%। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, 80%।
क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो. फॉर अ 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 1000 टर्न्स एंड द सेकेंडरी हैज़ 100 टर्न्स. इफ द पावर इनपुट टू द अबव ट्रांसफार्मर इज 1000 वॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट पावर, PIN, इनपुट पावर. द पावर आउटपुट इज, आउटपुट पावर पूछ रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन में जो कहा है 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, किस इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 100%. एफिशिएंसी 100% कहने का मतलब है कि दिस इज, देयर इज नो लॉस, नो लॉस. व्हेन देयर इज नो लॉस इन दिस ट्रांसफार्मर, इट मींस कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. जितना वो इनपुट ले रहा है, जितना पावर, उतना ही पावर वो आउटपुट में देगा. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनपुट पावर, दिस वन, इनपुट पावर इज व्हाट, 1000 वॉट. 1000 वॉट इज इनपुट पावर, दिस इनपुट पावर इज 1000 वॉट. तो सो आउटपुट पावर इज ऑल्सो 1000 वॉट. ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर. मोटर और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा कम है और किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो देखते हैं. और क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ है ऑफ सेम पावर. ठीक है, तो अगर जो सेम पावर, यहाँ देखते हैं, दोनों का पावर सेम है और एक तरफ लेते हैं हम ट्रांसफार्मर और दूसरी साइड मोटर. मोटर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है कॉल्ड एज रोटर. मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर रोटर होने की वजह से, इस रोटेटिंग पार्ट के होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं, वो कहलाते हैं मैकेनिकल लॉस. इसके अंदर आता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, बॉल बियरिंग लॉस, है ना, बॉल बियरिंग लॉस. ये तरह तरह के लॉसेस होते हैं. ये सब जो मैकेनिकल लॉस है ना, ये सब लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कंटेन ओनली स्टेशनरी पार्ट, सिर्फ इसमें स्टेशनरी पार्ट होते हैं, इसलिए इसमें लॉसेस कम होते हैं. ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं कम, इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होता है. और इलेक्ट्रिकल मोटर में एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर लॉसेस होते हैं ज़्यादा. इन इलेक्ट्रिकल मोटर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो आउटपुट होता है इसका कम और एफिशिएंसी भी इसका होगा कम. किसका, मोटर का. क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जाहिर सी बात है मोटर के कंपैरिजन ज़्यादा होगा. तो ऑप्शन वन में स्मॉलर सेम नहीं होगा, स्मॉलर नहीं होगा, हायर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एसी सप्लाई टू ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी तो क्या होगा. दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग. दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, वी एस वोल्टेज सोर्स. फर्स्ट केस में हम देखेंगे एसी सप्लाई होने के कारण इसमें क्या होता है, एंड देन सेकेंड केस में देखेंगे कि जब एसी को रिप्लेस करेंगे डीसी से तो क्या होगा. ओके, जब इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, केस वन, इन केस ऑफ एसी, जब यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स रखोगे, दिस वन, अल्टरनेटिंग, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये फ्लक्स भी होगा अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब इन दोनों कॉइल को लिंक करेगा तो प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना. इसमें ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, ये प्राइमरी कॉइल्स हैं और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1, प्राइमरी साइड E1 और सेकेंडरी साइड में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2. ठीक है, ये कब होगा, जब एसी सप्लाई दिए हैं और अल्टरनेटिंग फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ है तब. सपोज इसको लिखते हैं V, तो देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करेगा, यानी कि I1. I1 क्या होगा यहाँ से, I1 इज इक्वल टू V माइनस
E1 अपॉन सम रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, या फिर सिर्फ R ही लिखो, V माइनस E1 अपॉन R। तो इतना करंट फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी कॉइल में I1, इतना करंट, दिस मच ऑफ एम्पियर करंट विल फ्लो। सेकेंड केस देखते हैं कि जब एसी सप्लाई इज रिप्लेस्ड बाय डीसी, जब हमने यहाँ पर डीसी सोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा। डीसी सोर्स के टाइम पे जो फ्लक्स इसमें होगा, देर इज नो अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन केस ऑफ डीसी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो अल्टरनेटिंग फ्लक्स, और जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स ही नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, ना ही प्राइमरी वाइंडिंग में और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग E1 इज इक्वल टू E1 का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज जीरो, क्योंकि नो इंड्यूस्ड ईएमएफ हियर। नाउ E1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इज वी डीसी वोल्टेज एंड दिस इज प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था E1, अब ये होगा जीरो। ओके, तो देखते हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में, कितना करंट फ्लो करेगा। I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इज इक्वल टू V माइनस जीरो अपॉन R, यानी कि V अपॉन R। पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था, पहले फ्लो कर रहा था एसी के केस में V माइनस E1 अपॉन R। तो यहाँ से दोनों एक्सप्रेशन को देखने से ये पता चलता है कि दिस I1 जो कि डीसी के केस में मुझे जो करंट मिला है दैट इज वेरी वेरी हाई, और जब बहुत ही ज़्यादा हाई करंट फ्लो करेगा इन केस ऑफ डीसी इन प्राइमरी वाइंडिंग तो क्या होगा, द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न आउट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट, इसको आप क्रॉस कर दो, कॉपर लॉस इज 1% एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5%, द पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग। तो क्या पूछ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें ये दिया हुआ है कॉपर लॉस इज इक्वल टू 1%, ठीक है, और ये फुल लोड कॉपर लॉस होना चाहिए, दिस इज व्हाट फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस इतना है। ये ऑफ आउटपुट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1% कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये होना चाहिए एट फुल लोड। ओके, तो फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट इज इक्वल टू आर पर यूनिट, ये कहलाता है आर पर यूनिट के बराबर होता है। आर पर यूनिट मतलब आर पर यूनिट होता है आर इक्विवेलेंट अपॉन जेड बेस। नेक्स्ट गिवेन है परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5%, यानी कि एक्स पर यूनिट इज इक्वल टू 5%। अगला इन्फॉर्मेशन है पावर फैक्टर इज 0.9 लैगिंग, यानी कि पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाइव इज इक्वल टू 0.9 एंड दिस वन इज लैगिंग, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर है 0.9। देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव इन केस ऑफ लैगिंग। लैगिंग के केस में ये होता है पॉजिटिव, यानी कि ये होता है प्लस इन केस ऑफ लैगिंग, इन केस ऑफ लीडिंग ये प्लस की जगह होगा माइनस। क्वेश्चन में दिया हुआ है लैगिंग, इसलिए हम यूज करेंगे प्लस, आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। साइन फाइव इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस फाइव का होल स्क्वायर, कॉस फाइव इज 0.9 का होल स्क्वायर इज 0.81, रूट ओवर 0.19 एंड दिस विल इक्वल टू 0.436, ये है साइन फाइव, ठीक है। फिर देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन विल बी आर पर नेट कॉस फाइव, आर पर नेट इज व्हाट
R per unit here is 1%. या तो आप इसको simply 1 लिख सकते हो, तो last में जो result आएगा वो percentage के form में आएगा, या फिर यहाँ पे 1 upon 100 कर दोगे क्योंकि 1% है, तो last में जो value आएगा वो decimal में आएगा, बाद में आप उसको percentage में convert करिएगा, ठीक है? यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम direct इसको 1 लिखते हैं, तो R per unit into cos phi, cos phi is 0.9 plus x per unit कितना है 5%, इसको हम सिर्फ 5 लिखते हैं, into what sin phi 0.436, this one is 0.436, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.08, और चूंकि ये सब हमने 1 एंड 5 ये हमने परसेंटेज को एज इट इज लिखा है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा परसेंटेज में 3.08%, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. द लोड कैरीड बाय वीवी कनेक्शन ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पार्ट है. थ्री फेज ट्रांसफार्मर वीवी कनेक्शन कब होता है? अच्छा, वीवी कनेक्शन का और भी नाम है इसको, या तो आप कहो वीवी कनेक्शन, या फिर आप इसको सिंपली वी कनेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो ओपन डेल्टा. ये क्रिएट कहाँ से होता है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो फेजर ग्रुप्स होते हैं उसमें से एक होता है डी डी जीरो, दिस इज हाई वोल्टेज साइड डेल्टा, लो वोल्टेज साइड डेल्टा, एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 degree. डी डी जीरो से हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं हम वी कनेक्शन या वीवी कनेक्शन. ऐसे केस में लोड शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड. वीवी कनेक्शन में जो लोड शेयर करेगा ट्रांसफार्मर वो होता है 1 अपॉन रूट थ्री टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लोड. जो थ्री फेज कनेक्शन में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जितना लोड शेयर कर रहा था उसका 1 अपॉन रूट थ्री टाइम्स अब शेयर करेगा इन केस ऑफ वीवी कनेक्शन में, ठीक है? 1 अपॉन रूट थ्री टाइम्स कहने का मतलब है 57.7%, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर अकर्स बिकॉज, किस कारण से ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है? दिस वन इज ट्रांसफार्मर, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग. जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स सेटअप होता है. दिस वन इज फ्लक्स सेटअप इन द कोर, ओके. ये फ्लक्स दोनों क्वाइल को लिंक करता है. दिस इज क्वाइल नंबर 1 एंड दिस वन इज क्वाइल नंबर 2. दोनों क्वाइल को लिंक करता है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होते हैं और ये कहलाता है लिंक्ड फ्लक्स. इस फ्लक्स को यहाँ भी एक पाथ मिल जाता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. लीकेज फ्लक्स इसलिए होता है कि जो एयर है इज नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, ओके. अगर एयर एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर होता तो ये अपने आप से होकर फ्लक्स को जाने नहीं देता, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है तो इसमें से फ्लक्स जा रहा है. ऑप्शन सी को देखते हैं. ऑप्शन सी सेज एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, ओके. फर्स्ट ऑप्शन था ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एफिशिएंट डिवाइस, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. अप्लाइड वोल्टेज इज साइनोसॉइडल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आयरन कोर हैज हाई परमिएबिलिटी, ठीक है ये बात तो सही है लेकिन यहाँ पे सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द नो लोड प्राइमरी करंट I naught is about डैश ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर. जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड पे रखते हैं तब जो करंट फ्लो करता है दैट इज आई नॉट करंट. आई नॉट इज नियरली अबाउट 3-5% ऑफ फुल लोड करंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है. बट इन केस ऑफ
3-phase इंडक्शन मोटर, 3-phase इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन 3-phase इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट फ्लो करता है दैट इज 30-40% ऑफ फुल लोड करंट। हम वहाँ पे देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ओके। बट इन ट्रांसफार्मर ओनली 3-5%। क्वेश्चन नंबर 12, 10 ओम रेसिस्टिव लोड इज टू बी इम्पेडेंस मैच्ड बाय अ ट्रांसफार्मर टू अ सोर्स विथ 6-50 ओम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी व्हाट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लोड है जिसका रेसिस्टेंस RL इज इक्वल टू 10 ओम। लोड लगा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी साइड का जो रेसिस्टेंस है वो है 10 ओम, ओके। सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस इज 10 ओम। सपोज टर्न्स रेशियो किसका है? टर्न्स रेशियो द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, इसको हमने मान लिया ए। ए इज व्हाट? ए इज N1/N2, ओके। प्राइमरी साइड के टर्न्स और सेकेंडरी साइड के टर्न्स के रेशियो हैं ए, इसको हमने सपोज किया। अब फिर देखते हैं लोड रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, इसको आप अगर जो रेफर करोगे रेफर टू प्राइमरी साइड, दिस विल बी ए स्क्वायर इनटू RL, RL की वैल्यू है 10, यानी कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 10 A² ओके। और क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही, सॉरी सेकेंड लाइन में दिया हुआ है कि इम्पेडेंस मैच्ड विथ सोर्स ऑफ 6-50 ओम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है लोड रेसिस्टेंस RL रेफर टू प्राइमरी साइड है ना, ये मैच्ड विथ सोर्स रेसिस्टेंस, यानी कि दिस विल इक्वल टू दिस 10 A² इज इक्वल टू किसके साथ? 6-50 ओम। यहाँ से आप A को फाइंड आउट करोगे, ये मिलेगा 25, और यही है हमारा टर्न्स रेशियो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर वुंड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, कहाँ? टॉप ऑफ ईच अदर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हाट। हम इसको इस तरह से डिज़ाइन क्यों करते हैं? इस तरह का डिज़ाइन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है, दिस इज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और इसके मिडिल लिंब पर यहाँ पर लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों को यहीं पे उन्ड करते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग LV, हाई वोल्टेज वाइंडिंग HV, हियर LV, ठीक है, दिस इज LV। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कैसे हम यहाँ पे रखते हैं? टॉप ऑफ ईच अदर, है ना, इन केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ऐसा करने से क्या होता है कि लीकेज फ्लक्स कम होते हैं, लीकेज फ्लक्स कम होते हैं, जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ सोर्स साइड, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लिंक हो जाते हैं दूसरी वाइंडिंग के साथ, यानी कि लीकेज फ्लक्स विल बी लेस, लीकेज फ्लक्स विल बी रिड्यूस। एंड ऑब्वियस सी बात है, लीकेज फ्लक्स जब कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस इज आल्सो रिड्यूस्ड। कौन सा ऑप्शन होगा? लीकेज रिएक्टेंस, है ना, वाइंडिंग रेसिस्टेंस नहीं होगा, कॉपर लॉस नहीं होगा, आयरन लॉस नहीं होगा, तो क्या होगा? लीकेज रिएक्टेंस। अगर लीकेज फ्लक्स भी ऑप्शन में होता तो हम उसे भी मार्क करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नो लोड इनपुट पावर, कौन सा कंडीशन है? नो लोड इनपुट पावर टू अ ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू व्हाट लॉस इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किस लॉस के बराबर होता है इनपुट पावर? नो लोड का मतलब होता है कि सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्क्यूटेड, और जब सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्क्यूटेड तो इसका
इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा. दिस इज आर सी, दिस वन इज एक्स फाइव, दिस इज आर वन एंड दिस वन इज लीकेज रिएक्टेंस एक्स वन. यहाँ पे हम देंगे सप्लाई और ये किस कंडीशन में है, दिस इज नो लोड, है ना, नो लोड में है, सेकेंडरी ओपन सर्किट है. नो लोड के केस में इसमें जो करंट फ्लो करता है दैट इज आई नॉट, और आई नॉट होता है 3 to 5% मैक्सिमम 5% ऑफ फुल लोड. ओके, यानी कि बहुत ही कम करंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल करंट होता है आई नॉट. पहले के एक क्वेश्चन में हमने देखा है कि ट्रांसफार्मर में जब हम ओपन सर्क्यूट टेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है कोर लॉस, है ना, ओपन सर्क्यूट टेस्ट. और इस टेस्ट पे, ओपन सर्क्यूट टेस्ट पे जो सर्क्यूट होता है वो कुछ इस तरह का ही होता है. दिस इज नो लोड टेस्ट, ओपन सर्क्यूट टेस्ट. ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोर लॉस. और जब हम शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट करते हैं तो क्या मिलता है, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट पे हमें मिलता है कॉपर लॉस, है ना. यहाँ पे कह रहा है कि नो लोड कंडीशन में इनपुट पावर किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है नो लोड कंडीशन में है ये ट्रांसफार्मर, उतना ही पावर इनपुट करेगा, इनपुट लेगा, उतना ही पावर ये लेगा जितना कि इसके अंदर कोर लॉस होगा, है ना, यानी कि आयरन लॉस. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कॉपर लॉस, दिस इज रॉन्ग. एडी करंट लॉस, तो आयरन लॉस मीन्स एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस बोथ. सिर्फ एडी करंट लॉस अगर जो हम कहें तो दिस इज रॉन्ग. विंडेज लॉस तो होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, एंड दिस इज आयरन लॉस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. वैसे अगर हम ज़्यादा डिटेल में इसकी हम बात करें तो ये कितना इनपुट करेगा पावर वो हम देखते हैं. दिस वन इज आर वन, तो आर वन और इसमें आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, चूँकि ये करंट बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, इसको हम इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं. लेकिन अगर डिटेल में हम जानना चाहें तो कुछ लॉसेस इसमें भी होंगे, ये एक तरह का कॉपर लॉस होगा, है ना, इस रेसिस्टेंस में भी कुछ पावर लॉस होगा, इस रेसिस्टेंस में भी कुछ पावर लॉस होगा, और प्लस कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस, है ना. यानी कि हम टोटल पावर की बात करेंगे, इनपुट पावर, इनपुट पावर हम कह सकते हैं कि कोर लॉस प्लस आई नॉट स्क्वायर आर वन. ओके, चूंकि आई नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है एट नो लोड, तो इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, नेगलेक्टेड. ठीक है, दिस वन इज नेगलेक्टेड, इसलिए हम कह देते हैं कि नो लोड पे हम इतना इनपुट पावर ये लेगा कोर लॉस के बराबर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आयरन लॉस. क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न, दिस इज 80 एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स, गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द एयर गैप विल बी मच ग्रेटर देन दैट रिक्वायर्ड एम्पियर टर्न फॉर आयरन पार्ट ऑफ अ मैग्नेटिक सर्क्यूट. ओके, बिकॉज क्यों ऐसा होता है ये हम देखते हैं कि एक गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स को स्टेब्लिश करना है. कहाँ, इस फ्लक्स को, एक गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स, सपोज आप 100 वेबर ले लो या फिर जो भी आप एग्जांपल लेना चाहते हो आप ले सकते हो. तो इस फ्लक्स को स्टेब्लिश करना है एक तो आयरन पार्ट ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट, आयरन कोर में, है ना, और इतना ही फ्लक्स को स्टेब्लिश करना है एयर में, एयर गैप. ओके, एयर गैप में इसको स्टेब्लिश करना है. तो देखते हैं कि एम्पियर टर्न की रिक्वायरमेंट जो एयर गैप में स्टेब्लिश करने में ज़्यादा होती है उसकी वजह क्या है. आयरन कोर में इस फ्लक्स को स्टेब्लिश करते हैं तो आयरन में क्या होता है, परमीएबिलिटी इज मोर, इसका रिलक्टेंस होता है कम. बट इन केस ऑफ एयर गैप होती है कम और रिलक्टेंस इज मोर, रिलक्टेंस इज मोर इन केस ऑफ एयर गैप, और रिलक्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए
फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा एम्पियर टर्न की ज़रूरत पड़ेगी, नीड्स मोर एम्पियर टर्न, है ना, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस, है ना, MMF अपॉन रिलक्टेंस। अगर जो सेम फ्लक्स को स्टेब्लिश करना है, रिलक्टेंस इसमें ज़्यादा है इन केस ऑफ एयर गैप, तो जाहिर सी बात है MMF की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर MMF यानी कि मोर एम्पियर टर्न। तो इसकी वजह क्या हुई, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि आयरन हैज़ द लोएस्ट परमिएबिलिटी, ओके, गलत बात। एयर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एयर हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी, यस, एयर गैप में जो उसकी परमिएबिलिटी है वो बहुत ही कम होता है, लोएस्ट है, और यही वजह होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि स्ट्रिप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, हम कोर के ट्रांसफार्मर को स्टेपिंग करते हैं क्यों, इसका आंसर होगा टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आप उसमें यूज करते हो उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए। वॉल्यूम उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इनटू व्हाट, लेंथ, है ना, तो ये होता है वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसफार्मर यूज इन वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग सेट में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वेल्डिंग सेट में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होती है, दिस इज वेल्डिंग कंडक्टर, दिस वन, ओके, दिस वन इज वेल्डिंग कंडक्टर, और इस प्लेट पर वेल्डिंग करना है, तो क्या होगा जब हम इस वेल्डिंग कंडक्टर को यहाँ टच कराते हैं इस पोर्शन में, तो क्या होता है, ये शॉर्ट सर्क्यूट होगा, है ना, ये शॉर्ट सर्क्यूट होगा, एंड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट करंट इज हाई, हाई करंट विल फ्लो, तो वेल्डिंग सेट के लिए जरूरी है हाई करंट, हाई करंट, ठीक है, और हाई करंट के साथ साथ हमें वोल्टेज को कम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्यूरिंग शॉर्ट सर्क्यूट, अगर वोल्टेज भी ज़्यादा हुआ तो शॉर्ट सर्क्यूट करंट ISC ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, जो कि हमारे सारे इक्विपमेंट्स को जला देगा। तो वेल्डिंग सेट के लिए क्या जरूरी है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट इन लोड साइड, है ना, क्योंकि वेल्डिंग आप कर रहे हो लोड साइड, ये हमें कहाँ मिलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, लोड साइड वोल्टेज कम और करंट होता है ज़्यादा। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन ए स्टेप अप, ऑप्शन बी स्टेप डाउन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ A:1, ओके, यानी कि डेल्टा का भी फेज एंड स्टार का भी फेज, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है, डेल्टा स्टार, दिस वन इज डेल्टा एंड हियर स्टार, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में क्या कर रहा है कि फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ए, हियर दिस इज न्यूट्रल, तो दिस फेज टू दिस न्यूट्रल इज फेज वोल्टेज एंड दिस लाइन टू दिस लाइन इज व्हाट, लाइन वोल्टेज, सपोज दिस वोल्टेज यानी कि फेज वोल्टेज इज वी, अगर इसको हम वी लें तो इसका लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टार साइड लाइन वोल्टेज विल बी √3 V, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज व्हाट, ए डेल्टा साइड अपॉन स्टार साइड फेज वोल्टेज का रेशियो होगा ए, स्टार साइड का फेज वोल्टेज क्या है, वी है, तो इस साइड कितना होना चाहिए, ए वी, क्योंकि रेशियो कितना है, ए है, दिस इज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज शुड बी ए वी, ए इज व्हाट, ए इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ फेज, फेज वोल्टेज, चूंकि डेल्टा साइड में यहाँ पर फेज वोल्टेज वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन, है ना,
यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस इज द एंड इक्वल टू, इक्वल टू दिस इज व्हाट ए वी, ये था डेल्टा साइड, कहाँ है डेल्टा है, ओके स्टार साइड में क्या है, स्टार साइज में हमें चाहिए अब लाइन वोल्टेज, तो वी लाइन, वी लाइन स्टार साइड का क्या है रूट थ्री वी, ये वाला दिस इज द लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार साइड. अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो, लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार टू डेल्टा, स्टार डेल्टा है ना, पहले स्टार का वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय डेल्टा का लाइन वोल्टेज, ओके स्टार टू डेल्टा लाइन वोल्टेज का रेशियो, यानी कि स्टार साइड का लाइन वोल्टेज जो रेशियो होगा क्या होगा, स्टार साइड का रूट थ्री वी अपॉन डेल्टा साइड का लाइन वोल्टेज ए वी है ना, वी एंड वी इज कैंसल आउट, सो द रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो विल बी रूट थ्री अपॉन ए, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियरर टू द कोर इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. सबसे पहले बता दूं कि जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है वो हम यूज करते हैं किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर में, कोर टाइप, ओके कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, और जो सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हम यूज करते हैं इंटरलीव्ड वाइंडिंग. अभी दो चार क्वेश्चन पहले मैंने इसको डिस्कस किया था कि सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर था कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मिडल लिंब पे लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज ऐसे करके हमने यहाँ पे शो तो किया था, है ना, ये वही है इंटरलीव्ड वाइंडिंग. हाँ, फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछता है कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं, और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में क्या करते हैं कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसको हम कोर के बिल्कुल पास रखते हैं, नियरर टू द कोर, ऐसा हम क्यों करते हैं. यहाँ देखिए, दिस इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है ना, और ये है ट्रांसफॉर्मर का कोर, एंड दिस वन इज, दिस ब्लू कलर शोज लो वोल्टेज इंसुलेशन, लो वोल्टेज वाइंडिंग का इंसुलेशन है ये. उसके बाद हमने रखा है लो वोल्टेज वाइंडिंग को, उसके बाद दिस इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग इंसुलेशन, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए इंसुलेशन है, एंड आफ्टर दैट हाई वोल्टेज वाइंडिंग. क्वेश्चन में यही पूछता है कि ये जो लो वोल्टेज है वो कोर के इतने करीब क्यों होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्यों नहीं होता है. यदि हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ रखते हैं तो कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होगी, यानी कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लेस. ओके यदि हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ रखें, इस एच वी को अगर हम यहाँ रखें और एल वी को यहाँ रखें, तो हाई वोल्टेज के कारण इस कोर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सेपरेट रखने के लिए इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के करीब रखते हैं और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूर रखते हैं. क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 20, इफ के इज द फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो, कौन सा लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर कौन सा दिया हुआ है स्टार डेल्टा, सपोज फेज वोल्टेज ऑफ डेल्टा इज व्हाट वी, और इसने कहा है कि फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो इज के, तो जाहिर सी बात है स्टार साइड का जो वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज शुड वी के इंटू वी, के टाइम्स ऑफ वी, तभी तो स्टार टू डेल्टा वोल्टेज रेशियो, फेज वोल्टेज रेशियो के वी अपॉन वी विल बी के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है.
और अगर इधर स्टार साइड में फेज वोल्टेज इज केवी, तो व्हाट अबाउट द लाइन वोल्टेज? स्टार साइड का लाइन वोल्टेज वी लाइन, वी लाइन कितना होगा? रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, यानी कि रूट थ्री टाइम्स ऑफ के वी। ये हो गया इधर का लाइन वोल्टेज। और डेल्टा साइड का लाइन वोल्टेज कितना होगा? वी लाइन विल बी व्हाट? फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर ही होते हैं इन केस ऑफ डेल्टा, तो दिस विल बी वी। अब क्वेश्चन में पूछता है कि देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो क्या होगा? स्टार डेल्टा के केस में लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो कितना होगा? तो लाइन टू लाइन देख लेते हैं, दिस वी लाइन डिवाइडेड बाई दिस वी लाइन, यानी कि रूट थ्री के वी डिवाइडेड बाई वी। वी वी कैंसिल आउट, यानी कि क्या होगा? रूट थ्री के। दिस इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, रूट थ्री इंटू के, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेशियो वी वन अपॉन वी टू, जहाँ पे वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो टर्न्स रेशियो है ए ऑटो, ए ऑटो इज इक्वल टू व्हाट? एक तो होता है हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज क्या है? वी वन है, यानी कि वी वन अपॉन वी टू, है ना, क्योंकि वी वन इज ग्रेटर देन वी टू गिवेन है। वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, वी वन हो गया हाई वोल्टेज, वी टू हो गया लो वोल्टेज, यानी कि ए ऑटो इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के केस में पावर प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड ट्रांसफर दो तरीके से होते हैं, एक तो होगा कंडक्टिवली और दूसरा होता है इंडक्टिवली। तो कंडक्टिवली ट्रांसफर कितना होता है इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर? इज इक्वल टू वन अपॉन ए ऑटो, है ना। टोटल जो पावर ट्रांसफर होता है सोर्स साइड टू लोड साइड, उसका वन अपॉन ए ऑटो, इतना फ्रैक्शन, इतना पार्ट कंडक्टिवली ट्रांसफर होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट यानी कि वन माइनस वन अपॉन ए ऑटो इंडक्टिवली ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, ओके, इंडक्टिवली कितना ट्रांसफर हो रहा है? वन माइनस वन अपॉन ए ऑटो। तो देखते हैं वन माइनस ए ऑटो क्या है? ए ऑटो है वी वन अपॉन वी टू, दिस इज ए ऑटो वी वन अपॉन वी टू, तो वन अपॉन ए ऑटो क्या हो जाएगा? वी टू अपॉन वी वन। इसको जब आप सॉल्व करोगे वन माइनस वी टू अपॉन वी वन, तो दिस विल बी वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन, वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि पावर ट्रांसफर्ड वाया कंडक्टिवली कितना होगा, तो कंडक्टिवली कितना होता? वन अपॉन ए ऑटो, यानी कि वन अपॉन ए ऑटो यानी कि वी टू अपॉन वी वन, तब फिर आंसर कौन सा होता? वी टू अपॉन वी वन, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये किस केस में होता? जब क्वेश्चन में पूछता कंडक्टिवली, ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन अभी है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है? सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लेमिनेशन इज केप्ट विद इन 5%, 5% से कम ही रखते हैं, ऐसा क्यों? लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड ऑफ 0.035 mm थिकनेस ऑफ सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन डालते हैं, सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन जिसका थिकनेस होता है 0.35। ये थिकनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना थिकनेस होता है, अराउंड 0.35 mm थिकनेस, ठीक है। और ये लेमिनेशन किस चीज़ का होता है? सिलिकॉन स्टील। इसमें जो सिलिकॉन यूज करते हैं शुड बी लेस देन 5%। इसको अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो इससे मटेरियल क्या होगा? ब्रिटल होगा, है ना, इट मेक्स मटेरियल ब्रिटल। इसकी वजह से हम 5% से कम सिलिकॉन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, द सेकेंड डे ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
सर सेकेंडरी क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज एंड हाई करंट। क्वेश्चन नंबर 23, लो वोल्टेज एंड हाई करंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अनचेंज्ड, वोल्टेज अनचेंज्ड होता है, यानी कि यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गया बट इनपुट वोल्टेज है वो है अनचेंज्ड। देन व्हाट अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एच एंड बी एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू दी पावर 1.6 इनटू एफ, ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। एंड सेकेंड वन इज एडी करंट लॉस के ई सम कांस्टेंट बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। एंड हियर बी एम इज व्हाट, बी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है और सेम रेशियो में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है तो वी अपॉन एफ का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब वी अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट होगा तो बी एम विल बी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है और सेम रेशियो में वोल्टेज भी घट रहा है तो क्या होगा, वी अपॉन एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट होगा और हम कह सकते हैं कि बी एम विल बी कांस्टेंट। बट हियर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है एंड वोल्टेज इज अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है बट वोल्टेज अनचेंज्ड है, वैसे केस में बी एम कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बी एम को यहाँ कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, बी एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दे देते हैं के एम, ठीक है, एंड इनटू वी अपॉन एफ, ये हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया के एम, यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू के एम इंटू वी अपॉन एफ, ये हमने दे दिया। अब देखते हैं हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होगा। एडी करंट लॉस कितना होता है, दिस इज के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी एम को रिप्लेस करते हैं इससे तो क्या होगा, एडी करंट लॉस विल बी के ई इंटू के एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। यहाँ से एफ स्क्वायर इज कैंसल आउट, यानी कि दिस इज के ई के एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा एडी करंट लॉस। दिस इज एडी करंट लॉस पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यहाँ से हमने ये देखा। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि दिस इज वॉट, इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी का टर्म नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एडी करंट लॉस चेंज होने वाला नहीं है, है ना। यहाँ से ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा हुआ है कि एडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। बाकी तीन ऑप्शंस में किसी में डिक्रीजेस किसी में इंक्रीजेस इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ से भी ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, या फिर अगर पूरा देखना है हिस्टेरेसिस लॉस भी देखना है तो देखते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या था, के एच बी एम टू दी पावर 1.6 इंटू एफ, इसको लिखेंगे हम हिस्टेरेसिस लॉस पी एच, पी एच इज इक्वल टू के एच इंटू बी एम टू दी पावर 1.6, यानी कि के एम टू दी पावर 1.6 इंटू वी टू दी पावर 1.6 डिवाइडेड बाय एफ टू दी पावर 1.6 इंटू एफ। ओके, दिस इज द होल एक्सप्रेशन, इसको हम रिप्लेस करते हैं के से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस पी एस इज इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट के वी टू दी पावर 1.6 एंड डिवाइडेड बाय एफ टू दी पावर 0.6। यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है तो क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस विल रिड्यूस। ओके, हिस्टेरेसिस लॉस विल रिड्यूस।
ऑप्शन सी क्या कहता है, हिस्टेरेसिस लॉस विल डिक्रीज बट एडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेसिस्टेंसेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 100 केवीए 1100 अपॉन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर 0.1 ओम एंड 0.004 ओम रिस्पेक्टिवली. गिवन डेटा है 1100 अपॉन 220 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. दिस इज एसवी साइड, हाई वोल्टेज साइड. यहाँ लिखेंगे एलवी साइड की इंफॉर्मेशन क्या है. एचवी साइड का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1100 वोल्ट. ठीक है, 1100 वोल्ट है. एंड एलवी साइड कितना है, 220 वोल्ट. टर्न्स रेशियो कितना होगा, ए इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 220, यानी कि टर्न्स रेशियो विल बी 5. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एचवी साइड का रेसिस्टेंस इज 0.1 ओम. दिस इज वैल्यू ऑफ R1, ओके, एचवी साइड का. एंड R2 की वैल्यू है, लो वोल्टेज साइड का रेसिस्टेंस है 0.004 ओम. ठीक है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड आर रेस्पेक्टिवली कितना होगा, यानी कि इसको हम दो पार्ट में करेंगे. फर्स्ट इज हाई वोल्टेज साइड रेफर करके एंड सेकेंड वन इज लो वोल्टेज साइड रेफर करने के बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, फर्स्ट इज रेफर टू हाई वोल्टेज साइड. हाई वोल्टेज साइड हम रेफर करते हैं तो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ए स्क्वायर इंटू R2. ठीक है, R1 कितना है, 0.1 प्लस ए स्क्वायर, ए है 5, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू R2. R2 की वैल्यू है 0.004. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 0.2 ओम. यहां से हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में ही एचवी साइड का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखा हुआ है 0.2 ओम. सिर्फ एक कैलकुलेट करके हम ऑप्शन बी पे टिक लगा सकते हैं. लेकिन अगर पूरा देखना है तो देख लेते हैं. जब हम इसे लो वोल्टेज साइड रेफर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट विल बी R2 प्लस R1 अपॉन ए स्क्वायर. R2 की कितनी वैल्यू है, 0.004 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 0.1. ए स्क्वायर कितना होगा, 25. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.008. ठीक है, 0.008 ओम. दो आंसर मिल गए, एक तो रेफर टू एचवी साइड 0.2 ओम एंड रेफर टू एलवी साइड 0.008. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 1 to 25 देख लिए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से लेके आगे तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. यदि अच्छा ना लगे तो भी आप हमें कुछ सजेशन के रूप में कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें किस तरह की कमी रह गई है, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में उसे सुधार कर सकूं और आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, ओके गाइज, तो थैंक यू, बाय बाय.